हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे आपको मैं तीन तरीके का कुजीन खिलाने वाला हूँ। जगह का नाम है नूशे जून। यहाँ पे आपको अफगानी कुजीन, पर्शियन कुजीन और इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान का कुजीन मिलेगा खाने के लिए। तो यहाँ के ओनर से बात करेंगे कि ये कैसे पूरा सेटअप किया है और यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, कौन सी यूनिक डिशेज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ का खाना कैसा है उसका रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नूशे जून पे, स्टे ट्यून्ड। क्या चल रहा है जी? बढ़िया था, बस मेहरबानी, थैंक यू। ये आपका जो रेस्टोरेंट है जी, इसका अरेबिक मीनिंग क्या है, या जो नूशे जून नाम है इसका, इसका मीनिंग क्या है? नूशे जून का असली मतलब ये होता है, जैसे बोन अपेटाइट होता है फ्रेंच में जी, वैसे ही होता है कि बोन अपेटाइट मे योर सोल बी नरिश्ड विद द फूड दैट वी बीन सर्व। तो ताकि आपका खाना जो लगे आपके बॉडी पे लगे, आपका सोल नरिश। ये ईरानियन इसका लिटरल सेंस यही होता है। हम क्योंकि दिस माय थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईरान, वी वर एक्चुअली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ईरान, सो दैट इज हाउ वी गॉट स्टार्टेड विद द सेम। तो यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, अगर मैं पहले अफगानी फूड की बात करते हैं? हमारे पास तीन क्यूजीन है, अफगानी, उज्बेकी और ईरानी। अगर अफगानी की बात करें, क्योंकि पूरी स्ट्रेची इस जगह को ही मिनी अफगान के नाम से जाना जाता है, तो अफगानी हमारे मेन्यू में होना बहुत ज़रूरी था। अफगानी मेन्यू में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट काबलियों के लिए और अफगानियों के लिए होती है काबली पुलाव। काबली पुलाव, काबली पुलाव होता है अफगानी स्टाइल बिरयानी, आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा देग होता है जिसके अंदर दिन में दो बार हम पुलाव बनाते हैं। उस पुलाव में एसेंशियली जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं चावल जी। चावल के ऊपर होते हैं जो हम इम्पोर्ट करके अफगानी किशमिश बनाते हैं, जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अफगान से आता है, अफगान से किशमिश आता है जी, और गाजर उसके ऊपर होती है। सर, मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे ईरान के फूड के, जो मतलब जो लैम के थे उसमें बड़े बड़े पीसेस लैम के, वो उसमें स्टिक टाइप कुछ निकला रहता है, वैसा कुछ जैसे आपके मेन्यू में भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये कुछ कबाब टाइप्स है, क्या है ये? इसको हम अफगानी स्टाइल बर्रा कबाब बोलते हैं, जिसको चौपान मटन, चौपान मटन बोलते हैं। ओके, हम ये मटन पुट से ही सिर्फ बनाते हैं। अच्छा, मटन पुट से, मटन पुट से बनता है। और इसमें जो मैरिनेशन है, हालांकि ज़्यादा मैरिनेशन इसमें होती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेजर ही जो है वो प्याज का पानी होता है, पर इसका टेस्ट और जिस हिसाब से ये गला होता है उस हिसाब से ये हमारे रेस्टोरेंट का वन ऑफ द टॉप सेलर्स है। ओके, तो आप, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं न्यू कस्टमर हूँ, मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? आपकी स्पेशलिटी जो यूनिक एकदम हटके डिश है, एक तो आपने पुलाव बताया जी, उसके साथ अगर मैं सूप में या कबाब में बात करूँ तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? तो मैं सबसे पहले नेक्स्ट पेज में जो हमारा है, इसको बोलते हैं मिक्स कबाब प्लेटर। ये हम दो से तीन बंदों के लिए सजेस्ट करते हैं। ये एक प्लेटर होता है जिसमें छः किस्म के कबाब होते हैं, जिसमें आपके उज़्बेकी, ईरानी और अफगानी कबाब तीनों आ जाते हैं। ओके, तीनों आ जाते हैं। इसमें आपका बर्रा कबाब के तीन पीस होते हैं जी, आपके चौपान चिकन जो अफगानी स्टाइल तंदूरी चिकन होते हैं उसके तीन पीस आ जाते हैं। लैम कबीर जो हमारे रेस्टोरेंट का टॉप सेलर है, जो मिन्स लैम कबाब होता है, ये एक पीस आ जाती है। चूजे कबाब जो ईरानी ज़ाफ़रान भी हम इस रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, वो ईरान से इम्पोर्ट होता है। तो ईरानी ज़ाफ़रान में जो मैरिनेटेड चिकन होता है उसको चूजे कबाब बोलते हैं, उसकी पांच पीसेस आपको मिलते हैं। साथ में कज़ान कबाब आपको मिलता है और चिकन टिक्का उसमें किया आपको मिलता है। आपके जो शेफ़ हैं ये इंडियन हैं, ये आप मतलब बाहर के बंदे? ईरानी सेक्शन के लिए हमारे पास अफगानी डेडिकेटेड शेफ़ है, और जो उज़्बेकी सेक्शन है उसमें हमारे पास तशकंद से एक शेफ़ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी अफगानी और पर्शियन और उज़्बेकी कुजीन खा के कैसा है, इसका रिव्यू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज, हमारा नॉनवेज प्लेटर ये रेडी है, इसमें हमारे डिफरेंट कुजीन्स हैं, इसमें आपको अफगानी कुजीन, आपको इसमें ईरानी कुजीन और उज़्बेकिस्तान का कुजीन, ये तीन कुजीन मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कबाब हैं, अफगानी, ईरानी और उज़्बेकी तीन कबाब हैं। तो चलिए इसको अभी ट्राई करते हैं, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है यार, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार। और मैं इसको जानबूझ के इसको दूसरी प्लेट में नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऐसे ही खाऊंगा इसको, इसी बड़ी प्लेट में, मैं छोटी प्लेट में अपने सर्व नहीं करूंगा, इसी में खाऊंगा। चलिए पहले चावल से शुरू करते हैं। चावल मैं हमेशा हाथ से खाता हूँ। यह लैम्ब है, यह लैम बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में रखते ही घुल गए।
बहुत ही सॉफ्ट है। मैं कभी इससे पहले लाइफ में मतलब ईरानी कुजीन नहीं खाया हूँ, ईरानी के उज़्बेकिस्तान का कुजीन नहीं खाया हूँ, अफगानी खाया हूँ पहले, बट ये डिफरेंट है। इसको मैं दूंगा 10 में से 15 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये रेटिंग है सोलो मनी की, बहुत ही जानदार है और बहुत ही मतलब ये चावल देख रहे हैं आप, ये देखिए प्रॉपर खिला हुआ चावल है और जो इसके अंदर मसाले हैं बहुत ही माहीन है, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ ज़रूर आइए मुझे जून दिल्ली लाजपत नगर में, और हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए यार। अपने हिंदुस्तान की बिरयानी तो आप खाते रहते हो, यहाँ का काबुली पुलाव खाइए। और ये मैंने लिया है, ये नॉन वेज मिक्स प्लेटर है, इसके अंदर 3 तरीके के कुजीन मिल जाएंगे आपको, ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही उम्दा है, मज़ा आ गया। पर्शियन कुजीन, अफगानी कुजीन, ईरानी कुजीन, देख लो ये लैम का कबाब है, वर्थ है ये 1200 रुपये का प्लेटर है ये। और इस प्लेटर में आप आराम से 2 लोग तो आराम से खा सकते हो उस प्लेटर में। मैं अकेला आया हूँ, अकेला नॉनवेज ट्राई करने वाला हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये लिया है दिखाने के लिए। मैं अकेला ये पूरा नहीं खा पाऊँगा, सिर्फ आप लोगों के लिए लिया था मैंने कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये जो मल्टी कुजीन जो प्लेटर है ये कैसा है, कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। तो मोस्टली आपको लैम्ब मिलेगा, लैम्ब भी है और राइस मिलेगा। ये जो राइस है ये अलग है, जो हमारे नॉर्मल चावल है उससे थोड़ा मोटा चावल है और खिला हुआ चावल है। मैंने पहली बार ऐसा चावल देखा है जो इतना मोटा है और खिला हुआ है साथ साथ, ठीक है। हमारे घर पे जो बासमती राइस बनता है वो पतला राइस होता है, ठीक है, खिला हुआ होता है लेकिन पतला होता है, ये मोटा है। ये बताते हैं कि ये चावल भी बाहर से आता है, ये इन्होंने ईरान से इम्पोर्ट किया हुआ है। भाई इतना खा लिया, हालत ख़राब हो गई है अभी, इतना बड़ा प्लेटर वो पूरा तो मेरे से खा ही नहीं गया, मैंने उसको पैक कराने के लिए बोल दिया। लेकिन ये जो इंतज़ाम है ये बढ़िया है, अपने तकिया वकिया लगा के बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आधा घंटा सोऊंगा मस्त। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपने अगर कहीं ये कुजीन ट्राई किया है, ईरानी कुजीन और उज़्बेकिस्तान का कुजीन, तो मुझे बताओ कहाँ पे किया है और अगली कौन सी जगह पे मैं जाके ब्लॉग करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।